एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ जी महाराज का आगमन हुआ। राष्ट्र चेतना यात्रा के संदर्भ में उनका आगमन हुआ। यह यात्रा मध्य प्रदेश के ओरछा से शुरू हुई, जो 5 जून को शुरू हुई और 5 जुलाई को भोपाल में इसका समापन होगा। दमोह पहुँचे राष्ट्र संत ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। हिंदू राष्ट्र की जय। अखंड भारत की जय। अखंड भारत की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। 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 ये दमोह पहुंचने का उद्देश्य मेरा खाली दमोह पहुंचने का नहीं है, मेरा उद्देश्य पूरे भारत भ्रमण का है। अभी मैं राष्ट्र चेतना यात्रा लेके वृंदावन से निकला हूं। 5 जून से ये यात्रा प्रारंभ हुई ओरछा धाम राजा राम सरकार से, अब 5 जुलाई को भोपाल में इसका समापन है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जनसंख्या कानून बनना चाहिए। हम कहते हैं हम दो हमारे दो, ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो, ये गिनवाते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग हम दो में ही सिमट के रह गए हैं। ये जिस दिन बहुत बढ़ जाएंगे उस दिन हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए अपनी सनातन को और अपने धर्म को पकड़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं ये भी चाहता हूँ धर्मांतरण बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। लव जिहाद, जो लोग हाथ में कलावा बांध के माथे पर टीका लगा के हमारी भोली भाली बेटियों को अपने प्यार के जंजाल में फंसाते हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं अगर आज मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, जितनी मैं घटनाएं देख रहा हूँ, मठ मंदिर के लिए मैं देखता हूँ, मंदिरों के ऊपर किस प्रकार दिल्ली में अन्य जगह पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, सरकारें चलवाती हैं, वो ये नहीं पता है कौन लोग हैं। दिल्ली में आपने देखा हनुमान जी के मंदिर पे बुलडोजर चला, मैं वहाँ जाके बैठ गया, लड़ गया, मैंने कहा बुलडोजर मुझे चला दो लेकिन मुझे मंदिर बनना चाहिए, और ठीक 15 दिन के अंदर मंदिर वहाँ पर बनाया गया। ये मेरी सनातन की ताकत है, आप इसे मिटा नहीं सकते। हम सनातन से हैं, सनातन हमसे नहीं है, ये हमें जानना होगा। मेरे कई सारे ऐसे उद्देश्य हैं, एकात्म मानव दर्शन, हमें सबको एक रूप में देखना है सबको, और हमारा सामाजिक समरसता, ये सारे विषय हम लेके चल रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद की टीम यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य जो हैं रमेश जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, खत्री साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप सब ने आज हमारा यहाँ पे राष्ट्र चेतना यात्रा का भव्य स्वागत किया है, मैं इनको साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ।